स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन है दोस्तों, सबसे पहले आप नॉनस्टिक तवा लें, उसे धीमी आँच पर रखें। नॉनस्टिक तवा जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा थोड़ा काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ दो टिप शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप क्रिस्पी डोसा बना सकें। तो सबसे पहले इसके ऊपर आप 1 टेबलस्पून ऑयल डालिए और इसे पेपर क्लॉथ से अच्छे से पूरे तवा में घिस दीजिए, मतलब चारों तरफ फैला दीजिए। उसके बाद चेक करिए क्या वो तवा लगभग गर्म है, गर्म होगा तो हल्का हल्का भाप ऊपर से निकलेगा। तो उसके बाद हमें कॉटन के कपड़े से तवा को अच्छे से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद आपका तवा अभी आधा रेडी है डोसा के लिए। अब ये चिपके ना, इसके लिए आप एक बार फिर से इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालिए और इसे कॉटन या पेपर क्लॉथ से पूरे तवे में फैला दीजिए। इसे हमने अभी फैला दिया। अब इसके बाद आपको चेक करना है कि आपका तवा डोसा के लिए रेडी है, तो उस पर कुछ पानी की बूंदें डालिए। पानी की बूंदें जैसे कि मैंने इसमें डाला अभी और ये तुरंत इवेपोरेट हो गया, मतलब सोख लिया, मतलब आपका तवा अभी रेडी है। तो ये थी पहली टिप। अब इसके बाद भी अगर आपका डोसा चिपकता है दोस्तों, तो पहले एक बोल में ऑयल ले लीजिए, उसके अंदर इस स्पैटुला को इस तरह से डुबोइए और उसके बाद इस स्पैटुला से आप डोसा को निकालिए। अब देखिए डोसा यहाँ पर लगभग अपने आप ही निकल रहा है और कितना क्रिस्पी और एकदम होटल जैसा डोसा तैयार हुआ है। सो इस तरह से क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो अब मेरी दूसरी टिप है दोस्तों, जो बहुत ही ईजी टिप है दोस्तों, ये सभी कर सकते हैं। पैन लीजिए, पैन को हल्का सा गरम कीजिए, ज़्यादा गरम नहीं, हल्का गरम कीजिए लो फ्लेम पे। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालिए। ऑयल डालने के बाद यहाँ आपने देखा मैंने प्याज लिया है, प्याज को इस तरह से फोग में अटकाकर सारे ऑयल को प्याज के ज़रिए पूरे तवा में फैलाइए। अब फैलाने के बाद इसके अंदर बैटर डालिए और आपके डोसा तैयार है, मतलब जितना बड़ा आपको चाहिए उतना घुमा दीजिए और आपका डोसा लगभग तैयार है। इससे आपके डोसे में ज़्यादा चिप चिप नहीं होगा, मतलब ज़्यादा चिपकेगा नहीं और क्रिस्पी डोसा बनेगा। तो आप ये दोनों ट्रिक अपना सकते हैं। ये देखिए कितने हल्के हाथ से मैंने किया और ये आसानी से निकल गया है। तो ये था मेरा दो टिप क्रिस्पी डोसा तैयार करने का एकदम होटल जैसा। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, एकदम सिंपल टिप है दोस्तों, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और बना के देखिए घर पर, क्या आपके साथ ये ट्रिक अपनाइए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये डोसा एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।